पसंद आते हैं तो इस सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज हम बनाएंगे क्रिस्टल नेकलेस। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से घर पे बनाया जा सकता है, मार्केट में मिलता है। लेकिन हम कुछ क्रिस्टल पत्थर भी लिया है मैंने, यहाँ पे स्काई कलर का, ये बड़ा वाला है और ये मीडियम साइज का है। ये देखिए इनका साइज का डिफरेंस, स्मॉल और मीडियम। और हमने यहाँ पे लिया है दो जो हुक आता है नेकलेस के लगाने के लिए, मतलब पीछे की तरफ लगाने के लिए, यहाँ पे इयररिंग्स का हुक और यहाँ पे जो पिन आता है वो वाला, पीछे गोल वाला नहीं ऐसे ही, और ये कुछ स्टोन का बीट्स। और यहाँ पे एकदम साबूदाना जैसा छोटा छोटा सा मैंने दो चार बीट्स लिया है, वो किस काम आएगा वो भी आप लोगों को वीडियो पे दिखाई देगा। आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और मैंने यहाँ पे लिया है नायलन। सबसे पहले ये जो नायलन लिया है इसको कट कर लेंगे। अपने हिसाब से बनाइए नेकलेस, छोटा बड़ा, ये मुझे छोटा ही पसंद है तो मैं उस हिसाब से नायलन लूँगी। डबल कर देंगे हम, अगर हम आप लोग एक में भी कर सकते हो, लेकिन एक में करोगे तो टूटने का या फिर टूट जाने का चांस रहेगा, इसलिए दो लिया कीजिए। और यहाँ पर जो हुक आता है पीछे लगाने के लिए नेकलेस की, उसको डाल देंगे आगे की तरफ से और इसको यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे। अब नॉट लगाने के बाद हमने जो साबूदाना जैसे गुरी गुरी से बीट लिया है मोती, उसको डाल देंगे। क्योंकि ऐसे नॉट तो लगाया जा ही सकता है, लेकिन अगर आप लोग खाली नॉट पे छोड़ दोगे तो खुल जा सकता है, तो रिक्स के बिना आप लोग ऐसे ही एक छोटा सा पत्थर कोई भी, मैंने यहाँ पे कलरफुल कुछ मेरे पास पड़ा था मैंने यूज़ किया, आप लोग भी छोटा सा कुछ ऐसा यूज़ कीजिए ताकि जो उसका अंदर जा सके। इसके बाद इस पर और दो चार नॉट लगा देना है। देखिए एकदम रेडी। अब इसको खींच देंगे उधर की साइड पे, ये देखिए एकदम अब खुलने का कोई चांस ही नहीं है। अब इसका आगे वाला पार्ट लेंगे, इसको पहले उंगली की मदद से थोड़ा ऐसे कर लेंगे ताकि जो हमने क्रिस्टल लिया है वो अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए अच्छे से करना है ऐसे, दो उंगली के बीच में दबा दबा के, देखिए अंदर चला गया। ऐसे करके कुछ क्रिस्टल इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे मैंने स्काई कलर यूज़ किया है, आप लोग चाहे कोई भी कलर यूज़ कीजिए, आप लोगों को जो कलर पसंद आता है आप लोग वही कलर यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे स्काई यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप लोगों को स्काई यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैंने कुछ डाल दिया ऐसे में, और भी जो पत्थर है उसके आधा 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 हिस्से में बांट लेंगे और आधा डाल दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल भी लिया, आधा डाल लिया आधा छोड़ दिया, जो हमने स्मॉल साइज का जो बीट्स लिया है वो। अब हम जो मीडियम का लिया है उसको एक डालेंगे सबसे पहले। डालने के बाद यहाँ पे जो स्टोन का जो हमने लिया है चेन, सॉरी चेन नहीं, स्टोन का जो बीट्स जैसा आता है वो डालेंगे। उसके बाद और एक जो मीडियम साइज का है वो डालेंगे, एक कुछ डालते जाएंगे एक जैसे। यहाँ पे इससे पहले जो मीडियम साइज का, पहले जो हमने स्मॉल साइज का डाला है वो आप लोग ध्यान रखिएगा,
वो आप लोगों को इक्वल इक्वल लेना है, मतलब आप लोग जितने भी स्मॉल बीज ले रहे हो उसका आधा आधा हिस्सा कीजिए। तो पहले एक हिस्सा डाल दीजिए, उसके बाद बीच में जो ये काम कर रही हूँ मैं ए वाला कीजिए, इसके बाद फिर और बाकी का जो है वो डाल दीजिए, बस सिंपल। नहीं तो क्या होगा, एक साइड से ज़्यादा लंबा हो जाएगा और एक साइड से कम, तो हमें ऐसे करना है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। एक ही प्रोसेस से करते जाना है। देखिए कर लिया, अब लास्ट में भी ये डालने के बाद और एक हमें जो मीडियम साइज का बीज लिया वो डाल देंगे। अब डाल दिया, मीडियम साइज का बीज जो बचा है उसको अलग कर दीजिए। ये देखिए बीज का जो हमने स्टोन का काम किया है कितना शानदार लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद हमें इसका जो आधा वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लेना है। एक एक करके डालिए। देखिए डाल लिया मैंने यहाँ पे भी, और हमारा जो हुक का जो नेकलेस का हुक का जो हमारा दूसरा पार्ट है उसको भी हम ऐसे डाल देंगे। अच्छे से के बाद यहाँ पे पहले एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद जैसे करते एक बीज डाल देंगे, बीज डालने के बाद हमें फिर से नॉट लगा लेना है ताकि ये खुलने का चांस ना रहे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका जो नेकलेस का जो हुक है, लाइक आप पहन के गए घूमने गए हो फिर लाइक कहीं पे ज़्यादा मतलब भीड़ भड़क्का हो उस जगह पे, या फिर हाथ लग के कभी भी टूट सकता है, फिर खुल जा सकता है अगर ज़्यादा कोई खींच ले, या फिर बच्चे खींचता है हमेशा अगर ऐसे खींच ले तो, इसीलिए ताकि खुलने का कोई चांस ना नहीं, आप लोग इसके पीछे एक ज़रूर बीज डाला कीजिए। आप लोग ये ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए, और मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए, और इसका जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको साथ से डालाना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगर आप लोगों के दिमाग में आइडियाज़ वगैरह हो तो वो भी मुझे बताइए, मैं किस टाइप की वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे एक बड़ा यूट्यूबर बनना है प्लीज़, और वो बस आप लोग ही कर सकते हो। या फिर देखिए हमारे नेकलेस एकदम कंप्लीट, और एक ईयरिंग्स मैंने बना लिया है, सेम टू सेम एक ईयरिंग्स बना लेंगे फट से। सबसे पहले हमें एक बीट्स डालना है, ये मैंने मीडियम का लिया है, स्मॉल का नहीं, मीडियम का, स्मॉल का अच्छा नहीं लगता, मीडियम का लिया है। उसके बाद एक स्टोन का जो आता है, फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसको ऐसे मोड़ देंगे, अच्छे से मोड़ना है, बस मोड़ दिया। ये देखिए थोड़ी सी गैप छोड़ देंगे, और उसके बाद जो ईयरिंग्स हो करता है उसे डाल देंगे, और इसको टाइट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। धीरे कीजिए,
बस हमारी इयररिंग्स भी कंप्लीट, नेकलेस भी कंप्लीट, और क्या चाहिए? बाजार में जाने की कोई जरूरत है नहीं। हाँ नहीं, जाने की तो जरूर जरूरत है, क्योंकि मेटेरियल्स जो लाना है हमें, तो बाजार से खरीदने से ज्यादा आप लोग घर पे बनाएं, घर पे जरूर ट्राई कीजिए, और मुझे जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये नेकलेस। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर करना अपनी दोस्तों के साथ, और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहना। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।